दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के खिलाफ देश भर में कई यूनिवर्सिटियों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जेएनयू में हुई हिंसा में करीब 30 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में दो पक्षों पर एफआईआर दर्ज की है। इसी बीच खबर आ रही है कि मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद में प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यालय के सामने नारेबाजी को लेकर दोनों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में पत्थर और लाठी चलने लगी। इसमें कुछ कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। इधर इससे पहले जेएनयू हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने दो पक्षों पर एफआईआर दर्ज की है। इसमें स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की थी। आयशी पर गार्ड के साथ मारपीट और सर्वर रूम में तोड़फोड़ के मामले दर्ज किए गए। ये दोनों ही घटनाएं कैंपस में तोड़फोड़ और मारपीट से दो दिन पहले की थी। जेएनयू प्रशासन ने 3 जनवरी और 4 जनवरी को वसंत कुंज पुलिस स्टेशन को दो शिकायतें की थी। इसमें जबरन सर्वर रूम में घुसने और सुरक्षा कर्मियों को उनकी ड्यूटी से रोकने और बदसलूकी का आरोप लगाया था। इसी शिकायत के आधार पर आयशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों एफआईआर महज 5 मिनट के अंदर दर्ज की गई है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.